पोस्टडॉक के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है, कौन सा प्लेस बेस्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस तरह का। क्यों आता है, क्या कंफ्यूजन है, और ये क्वेश्चन बहुत पर्सनलाइज भी होता है। वो पर्सन क्यों ये पूछ रहा है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसका व्यू अलग होता है। मैं आंसर दूँ तो ये मेरा व्यू होगा, मैं किस प्लेस पे जाना चाहता हूँ, मेरे लिए पोस्टडॉक के लिए कौन सा प्लेस बेस्ट है, कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो इसमें कुछ थॉट्स मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्लेस बेस्ट होता है पोस्टडॉक के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन मिली है, देन आपका कन्फ्यूजन कॉमन है एक भाई कि आपको कौन सी पोस्टडॉक पोजीशन ज्वाइन करनी चाहिए, और बहुत कन्फ्यूजन आता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, तो यहाँ की सैलरी बड़ी अच्छी है, तो इनका पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, तो ये प्रोफेसर बोलने में बड़ा अच्छा है, इसका इस एरिया में बड़ा नाम है, तो ये हॉट एरिया है, ये ओल्ड एरिया है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और मुझे भी ये कन्फ्यूजन हुआ था, मुझे एक नॉर्वे से पोजीशन मिली थी और एक जॉन हॉपकिंस से मिली थी, और एक तीसरी बात चल रही थी, बट उसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि इसी दोनों में से मुझे कोई चूज करना था। और मैंने चूज किया जॉन हॉपकिंस, क्यों कि बहुत बड़ा प्लेस है, यूएस में जा रहे हैं, प्रोफेसर का बहुत नाम है, इस प्रोफेसर के पेपर में पहले से साइट करते रहे हैं, ड्रीम प्रोफेसर है, ये सोच के आए। कितना अच्छा गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो सोच के आया था आई कैन से वैसा नहीं हुआ। बहुत क्रिटिकल होता है कि कौन सा प्लेस बेस्ट है, कौन सी कंट्री बेस्ट है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर चाहिए कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो मैं कहूँगा कोई कंट्री बेस्ट नहीं है पोस्टडॉक के लिए। पोस्टडॉक के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है मेरे हिसाब से, वो रिसर्च, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस एरिया में जाएं एग्जैक्टली, वो प्रोफेसर कितना अच्छा है उस एरिया में, उसके रिसेंट जो पब्लिकेशंस हैं 2-3 साल में, कितने अच्छे अच्छे पब्लिकेशन आए हैं, कितना अच्छा उसका ग्रुप है, कितना पोटेंशियल है, कितना इन्वॉल्वमेंट है ऑल दिस टेक्नोलॉजी में, फंडिंग में, हर एक चीज़ में, वो मैटर करता है। यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है वो नहीं मैटर करता है ज़्यादा, पोस्टडॉक के लिए एकदम नहीं मैटर करता है। मे बी अ डिग्री प्रोग्राम ले रहे हैं, वहाँ से पीएचडी प्रोग्राम में है तो ठीक है, बट पोस्टडॉक के लिए जा रहे हैं तो प्रोफेसर का रिसर्च वर्क, प्रोफेसर का बड़ा होना, लैब का बड़ा होना, लैब में अच्छा इन्वायरमेंट होना, रिसेंट पब्लिकेशन कितने अच्छे आए हैं उसके लैब से, वो कितना अच्छा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। कंट्री नहीं मैटर करती आप कहाँ से पोस्टडॉक कर रहे हैं। अनदर कन्फ्यूजन आता है कि ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से पोस्टडॉक मिला है, कोई छोटी यूनिवर्सिटी से, कहाँ पर जाएँ। बड़ी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली जो रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं, जो कॉमन कोर होता है टेक्नोलॉजी का, वो सब काफ़ी एडवांस और सही होता है। बट सेम टाइम पे आपको सोचना है कि वो कोर और वो फैसिलिटी का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा नहीं है, आपका प्रोफेसर रिसर्च में बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सब कोर फैसिलिटी का, ये सब का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे कोलाबोरेशन के सब चीज़ हर एक चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बट आपका ही रिसर्च बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो मैं कहूँगा कि अगेन फोकस कीजिए प्रोफेसर के ऊपर, लैब के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में काम करने का है, और जिस एरिया में आप काम करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है। अनदर कन्फ्यूजन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, स्पेशली कोई भी पीएचडी करके इंडिया से मिडिल क्लास से आ रहा है, तो उसका एक अनटोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई पैसा बनाना है पोस्टडॉक में। अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ सैलरी मिल रही है, तो कुछ पैसा सेव कर लेंगे, क्योंकि एमएससी पीएचडी में वैसे ही किसी तरह चला है, तो ऐसा एक रहता है कि हाँ पोस्टडॉक में जाएंगे तो कुछ पैसा सेव कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पे ज्वाइन करें जहाँ पे हम पैसा सेव कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पैसा सेव करना अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी घर वाले पीछे पड़े रहते हैं कि भाई बीएससी किया, मास्टर किया, देन पीएचडी कर रहे हो, कब तक पढ़ाई करोगे, तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर देखें उस मामले में, तो यूएस की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे न्यूयॉर्क के आसपास कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बोस्टन में हार्वर्ड, एमआईटी, या फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाइए, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, मिशिगन, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर रियली रियली कॉस्टली। अगर आप मिड वेस्ट में हैं किसी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में, या मिड में कहीं पे हैं, तो वो सस्ता हो सकता है, या बाल्टीमोर जहाँ हॉपकिंस रिलेटिवली बाकी सिटीज़ से कंपेरिजन में सस्ता है, तो वहाँ भी सेव कर सकते हैं।
बट अगर बोस्टन जैसी जगह पे आ गए, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सैनडियागो, लॉस एंजलिस ऐसी जगह पे, तो पोस्ट डॉक में सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में कई लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर मुझे एक यूरोप से मिला है, यूएस से मिला है, तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ पे पैसा सेव कर सकते हैं। सो बेस्ट वे होता है कि जिस सिटी में आपको पोस्ट डॉक मिला है वहाँ पे डेफिनेटली इंडियन कम्युनिटी का ग्रुप रहता है, इधर फेसबुक या लोकल ग्रुप रहता है, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप रीच आउट करें, वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानें, और दोनों जगह के अगर प्रोफेसर रिलेटिवली इक्वल हैं तो जहाँ पे आपको फाइनेंशियली ज़्यादा फिजिबल लग रहा है वहाँ पे मूव करें। अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई पोस्ट डॉक में कितनी सैलरी मिलती है, कितना बचा सकते हैं, तो इस पे स्पेसिफिकली हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जाके उसको देख सकते हैं। पोस्ट डॉक में आपके पास फैमिली है, आपका पार्टनर है और आपका बच्चा है, और एक पर्सन पोस्ट डॉक कर रहा है, तो आप बचा नहीं सकते यूएस में, दैट इज़ ट्रू। यूरोप में लोग बोलते हैं रिलेटिवली कास्ट ऑफ लिविंग, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली चीपर है यूएस के कंपेरिजन में, तो वो भी बहुत अच्छा चॉइस हो सकती है आपके लिए। जब पोस्ट डॉक आप चूज कर रहे हैं कौन सा बेस्ट प्लेस है और कौन सा नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी लैब जो हैं टॉक्सिक लैब हैं, और बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं ना वो भी प्रेडेटर की तरह हैं, आप कैच करना चाहते हैं आपको। तो जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बोलेंगे कि पोस्ट डॉक के लिए आओ, बट एक्चुअली में वो पोस्ट डॉक पोजीशन नहीं रहेगी, रिसर्च असिस्टेंट की तरह पोजीशन रहेगी और रिसर्च फेलो की तरह कुछ और पोजीशन क्रिएट करेंगे आप, इसीलिए पोस्ट डॉक पोजीशन नहीं रहेगी। तो जो NIH की मिनिमम सैलरी है समवेयर 53-55 जो भी है अभी, जो मिनिमम सैलरी है उतना नहीं देते हैं वो लोग, वो फिर आपको 40 में देते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई एशियन कंट्री से बहुत सारे जो PhD स्टूडेंट होते हैं वो डिस्परेट होते हैं बाहर आने के लिए, तो ऐसे ही उनको बेट लगा के कैच करते हैं, उनको बोलते हैं हम 40 देंगे, हम 45 देंगे, एक्चुअल जो मिनिमम सैलरी होती है वो नहीं देते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। वो लैब कितनी डाइवर्स है, उस लैब में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज हैं, उस लैब सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं, या सिर्फ अमेरिकन है, उस डाइवर्सिटी है या नहीं उस लैब में, ये चीज़ बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर किसी लैब में सिर्फ और सिर्फ इंडियन काम करते हैं, मैं उसी लैब को अवॉइड करूँगा, या सिर्फ चाइनीज है मैं उसी लैब को अवॉइड करूँगा। तो हमेशा डाइवर्स लैब यूएस में फाइंड करना चाहिए कहीं भी अब्रॉड कंट्री में जा रहे हैं तो। और वहाँ से जो रिसेंट स्टूडेंट निकले हैं, बाहर गए हैं, उनका क्या व्यू है, लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप उनको कॉन्टेक्ट करके फाइंड आउट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसेंट पब्लिकेशन कैसा है उनका, रिसेंट 3-4 ईयर्स में पब्लिश क्या क्या पब्लिश किए हैं, कितना अच्छा पेपर है, और उसमें करस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, जिस प्रोफेसर को आप ज्वाइन कर रहे हैं वही करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कोलाबरेटिव वर्क है तो जो वर्क या टेक्निक्स जिससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं वो वर्क उसी की लैब में हुआ है या कोलाबरेशन के लैब में हुआ है, ये भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पेपर देख के हम लोग को लगता है ओ बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक के काम किया हुआ है, बहुत अच्छा है, जब हम उस प्रोफेसर को ज्वाइन करने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी लैब में काम नहीं हुआ है, वो कोलाबरेशन में काम हुआ है किसी और लैब से, अब उस लैब में कोलाबरेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इंड अप हो जाएंगे लाइक क्या खोज रहा था क्या मिला, वैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ये केयरफुल होना चाहिए। तो ये बहुत पर्सनल और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या प्लेस या क्या कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी लैब बेस्ट है हमारे पोस्ट डॉक के लिए, बहुत पर्सनलाइज है कहेंगे या बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, देयर इज नो वन यूनिक आंसर कि ये बेस्ट है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको ये फाइंड आउट करने में कि आपके लिए क्या बेस्ट प्लेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।